कि आज आपने वज़ीर आज़म साहब का जो है वो धुआंधार बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर एक जो है खातीन को, गरीब खातून को एक गाय, एक भैंस और 3 बकरियां दी जाएंगी। इस प्रोग्राम के हवाले से क्या फरमाएंगे आप? बने हैं तब से ये मुख्तलिफ बातें करते हैं, कभी कहते हैं कि मुर्गियां पालो, बट्टे पालो, ये करो वो करो। मुझे बताएं, इसको 18 महीने हुए। बेनजीर शहीद की जो शुरू वाली हुकूमत थी 88 में, 18 महीने थी। 18 महीने में बेनजीर शहीद ने 85,000 लोगों को सारे पाकिस्तान में रोजगार दिया। और ये जूनिजो साहब के दौर में जो लोग भर्ती हुए थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सारे पाकिस्तान में, तो 2.5 लाख थे। उनको एक्ट, असेंबली के एक्ट के जरिए उनको परमानेंट किया। तो 18 महीने में बेनजीर शहीद ने 3,25,000 लोगों को परमानेंट रोजगार दिया। 18 महीने में इन्होंने रोजगार छीना है लोगों को, जो है परेशानी इजाफा किया है। गरीब लोग मारे मारे फिर रहे हैं, कोई डेवलपमेंटल वर्क नहीं है, लोगों को रोजगार छीना गया। अभी तक 12 लाख लोगों का रोजगार छीना गया है इनकी गलत इकोनॉमिकल पॉलिसी से। तो ये बयान जो है ये बेफजूल बयान है, हर रोज देते हैं। और ये कभी कहते हैं कि ये होगा, कभी कहते हैं 50 लाख जो है घर देंगे, कभी कहते हैं 1 करोड़ लोगों को जो है रोजगार देंगे। तो ये ऐसी बस खिताब है जो डे टू डे ये देते रहते हैं, जिनका रिजल्ट 0 है, 0/0 है। तो मैं इस पर यही कमेंट कर सकता हूँ।